हेलो फ्रेंड्स, दिस इज नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल और आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है असाइनमेंट ऑन कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो इसमें हम सबसे पहले कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में लिखेंगे, जिसमें पर सबसे पहले इसकी हमारी डेफिनेशन आती है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर उसकी लिस्ट आती है कि कम्युनिकेबल डिसीज़ में हम कौन कौन सी जो हमारी कम्युनिकेबल डिसीज़ है उनकी लिस्ट है कि हमने इनके बारे में डिटेल में आगे लिखा है। ये हमारी वायरल डिसीज़ है जो कि कम्युनिकेबल डिसीज़ के अंदर आती है। मीज़ल्स है, उसकी डेफिनेशन, उनके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। नेक्स्ट हमारे इसका नर्सिंग मैनेजमेंट आता है और प्रिवेंशन आता है। नेक्स्ट हमारा इन्फ्लुएंजा या फ्लू, तो ये क्या होता है, एक एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है। यहाँ पे हमने इनको पूरी डिटेल में नहीं लिखा है, सिर्फ इनके बारे में थोड़ा थोड़ा ही लिखा है। नेक्स्ट हमारी आती है स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स क्या होता है, एक एक्यूट हाईली इन्फेक्शियस डिसीज होती है जो कि वेरियोला वायरस के कारण होती है। यहाँ पर स्टेजेस है, रैशेज जो होते हैं बेबी के स्किन पर उसके बारे में लिखा है, यानी कि जिसको चिकन पॉक्स होगा उसकी रैशेज जो आते हैं वो अलग अलग कंडीशंस में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसका इनक्यूबेशन पीरियड, उसके बाद है इसका ट्रीटमेंट, उसके बाद यहाँ पे हमारी नेक्स्ट आती है मम्स। मम्स भी एक एक्यूट इन्फेक्शियस वायरल डिसीज होती है, जिसमें क्या होती है, हमारी जो पैरोटोइड ग्लैंड होती है उसमें स्वेलिंग आ जाती है, टेंडरनेस आ जाती है। उसके बाद इसका एजेंट, साइंस सिम्टम्स, इंक्यूबेशन पीरियड। नेक्स्ट है हमारा डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। नेक्स्ट इसका ट्रीटमेंट एंड इसके बाद इसका प्रिवेंशन आता है। नेक्स्ट है हमारी बैक्टीरियल डिसीज, इससे पहले थी हमारी वायरल डिसीजेस। तो बैक्टीरियल डिसीज में हमारा सबसे पहले आता है डिप्थीरिया। ये इनक्यूबेशन पीरियड है, साइंस सिम्टम्स, डायग्नोस्टिक इवेलुएशन एंड प्रिवेंशन। नेक्स्ट हमारा आता है इसका ट्रीटमेंट। उसके बाद हमारा आता है टिटनस। उसके बाद टिटनस की डेफिनेशन, इंक्यूबेशन पीरियड, साइंस सिम्टम्स, कॉजेज आते हैं, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारी डिसीज आती है लेप्रोसी। लेप्रोसी का हम कुष्ठ रोग भी बोलते हैं हिंदी में। मोड ऑफ इन्फेक्शन, ट्रांसमिशन, यानी किस प्रकार से वो फैलेगी, ड्रोपलेट इन्फेक्शन से फैल सकती है, डायरेक्ट इन्फेक्शन से, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन सिम्टम्स। नेक्स्ट इसका हमारा आता है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है वूपिंग कफ। वूपिंग कफ में हमारी सबसे पहले आती है इसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट हमारा आता है इसका इंक्यूबेशन पीरियड। उसके बाद साइन सिम्टम्स। साइन सिम्टम्स जो है हमारे इसके तीन तीन स्टेजेस में डिवाइडेड है। नेक्स्ट हमारा इसका आता है डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड नेक्स्ट हमारा इसका आता है ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है टाइफाइड फीवर, जिसको हम एंटर फीवर भी कहते हैं। इसकी डेफिनेशन, कोज, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट इसके साइन सिम्टम्स और नेक्स्ट हमारा आता है इसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, कि हम इसको कैसे डायग्नोस करेंगे।
नेक्स्ट इसका हमारा ट्रीटमेंट आता है। ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराएंगे, एंटीबायोटिक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ये सभी हम इसको पेशेंट को प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट है हमारा जोनोस डिसीजेस में, जिसमें हमारा आता है रेबीज। इसकी हमारी डेफिनेशन, कोजेटिव एजेंट, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट हमारा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इंक्यूबेशन पीरियड, साइन सिम्टम्स। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन और ट्रीटमेंट। नेक्स्ट हमारा आता है नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ की डेफिनेशन कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ क्या होती है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ वे डिसीज़ होती है जो कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलती है, उनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ कहते हैं। नेक्स्ट है हमारी नॉन कम्युनिकेबल की लिस्ट। जो नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़ होती है उनकी ये लिस्ट है। तो उसमें हमारा पहला तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, पेप्टिक अल्सर, एनीमिया, हेमरॉइड्स, एंसेफ्लाइटिस। एंसेफ्लाइटिस क्या है? एंसेफ्लाइटिस कम्युनिकेबल भी है और नॉन कम्युनिकेबल भी है। कुछ कंडीशंस होती है जिसमें कि एंसेफ्लाइटिस कम्युनिकेबल होता है, जैसे हमारा जैपनीज एंसेफ्लाइटिस। और कुछ एंसेफ्लाइटिस ऐसे होते हैं कि वो क्या होते हैं, नॉन कम्युनिकेबल होते हैं। नेक्स्ट हमारा अपेंडिसाइटिस, डायबिटीज मलाइटस, कोलिसिस्टाइटिस, लीवर सिरोसिस एंड मायोकार्डियल इन्फ्रक्शन। इसमें हमारी सबसे पहले डिसीज आती है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि जो हमारी इंटेस्टाइन है जो आते होती है उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, तो उस कंडीशन को हम इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं। ये दो टाइप्स की होती है, मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल। बाद नेक्स्ट इसकी इटियोलॉजी आती है कि ये किसके कारण हो सकती है। साइन सिम्टम्स आते हैं हमारे इसके, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारे आता है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है पेप्टिक अल्सर। पेप्टिक अल्सर में जो हमारी अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होती है उसमें अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसका हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अलग अलग ये टाइप के होते हैं, मेनली तीन टाइप्स के ये होते हैं। नेक्स्ट इसके कोज है साइन सिम्टम्स और मेडिकल मैनेजमेंट। यहाँ पर यह है इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारी आती है एनीमिया। एनीमिया की डेफिनेशन, एनीमिया में क्या होता है, जो एचबी लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और बॉडी तक कंप्लीट या अच्छे से ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती है। इसके टाइप्स हैं एनीमिया के टाइप्स, देन कोज यानी कि किस किस के कारण ये हो सकती है। नेक्स्ट इसके साइन सिम्टम्स आते हैं, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस आते हैं, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती है, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारा डिसीज आती है हेमरोइड्स, जिसको हम पाइल्स भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल स्पॉन्जी जो ब्लड है वो फिल हो जाता है कुशंस में, जो एनस की वॉल्स होती हैं वहाँ पर ही हो जाते हैं। तो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये हमारा कोजीज में ही आते हैं, क्लिनिकली मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट डिसीज आती है हमारी एंसेफलाइटिस। तो एंसेफलाइटिस जो ब्रेन की लेयर होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाती है, जो ब्रेन के टिश्यूज हैं उनमें इन्फ्लामेशन को क्या कहते हैं, एंसेफलाइटिस कहते हैं। नेक्स्ट इसके हमारे साइन सिम्टम्स,
डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट हमारा आता है इसका मैनेजमेंट, कि हम क्या क्या मैनेजमेंट इसमें प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारी आती है अपेंडिसाइटिस। अपेंडिक्स में जो इन्फ्लामेशन होती है उसको हम अपेंडिसाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट इसके कॉजेज है साइन सिम्टम्स। नेक्स्ट हमारे इसके ये साइन सिम्टम्स हैं, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। नेक्स्ट इसका आता है हमारा मेडिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, नेक्स्ट है हमारा डायबिटीज मलाइटस। डायबिटीज मलाइटस में क्या होता है, जो इंसुलिन हार्मोन्स होता है उसकी, वो क्या होता है, इनसफिशियंट अमाउंट में सिक्रेट होता है, जिसकी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा इसके टाइप्स। डायबिटीज मलाइटस मेनली 3 टाइप्स का होता है। इनके बारे में हमने डिटेल में नहीं लिखा, सिर्फ थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दी है। नेक्स्ट है हमारा ईटियोलॉजी। नेक्स्ट हमारा इसके साइंस सिम्टम्स और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। नेक्स्ट हमारा आता है कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। नेक्स्ट है हमारा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, यानी कि जो हम मैनेजमेंट करेंगे उसमें क्या क्या आएगा। हमारा आता है कोलिसिस्टाइटिस, या जो हमारी कोलीलिथियासिस है या गोल स्टोन है, कोलीलिथियासिस को हम गोल स्टोन बोलते हैं। और कोलिसिस्टाइटिस क्या होती है, जो गोल ब्लैडर होती है उसकी इन्फ्लामेशन होती है। दोनों में ही डिफरेंस है, मैंने यहाँ पर दोनों की ही डेफिनेशन लिखी है। जैसे पहली डेफिनेशन है कोलीलिथियासिस की, इसमें क्या होता है, स्टोन्स हो जाते हैं गोल ब्लैडर में, उसको हम बोलते हैं कोलीलिथियासिस या गोल स्टोन। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है कोलिसिस्टाइटिस की, इसमें क्या होता है, जो गोल ब्लैडर है उसमें इन्फ्लामेशन आ जाती है। तो जो हमारा कोलिसिस्टाइटिस है वो क्या होता है, 2 टाइप का होता है, कैलकुलस और अकैलकुलस। जो कैलकुलस होता है वो होता है स्टोन या किसी ऑब्स्ट्रक्शन के कारण गोल ब्लैडर में इन्फ्लामेशन का आ जाना, और अकैलकुलस किसी भी इन्फ्लामेशन के कारण, यानी कि किसी भी डिसीज हो सकती है इन्फ्लामेशन की, तो उसके कारण हो सकता है। तो यहाँ पर दोनों को अच्छे से समझाने के लिए मैंने दोनों की डेफिनेशन अच्छे से लिखी है। नेक्स्ट है हमारे इसके रिस्क फैक्टर्स। यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल गोल स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स लिखे हैं, पिगमेंटेड गोल स्टोन्स के रिस्क फैक्टर्स के बारे में लिखा है। नेक्स्ट हमारे इसके साइंस सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन एंड मेडिकल मैनेजमेंट। यहाँ पर अदर सिस्टेमेटिक ड्रग्स, यानी कि क्या क्या हम ड्रग्स प्रोवाइड कराएंगे। और उसके बाद है हमारा इसका सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आती है लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस की डेफिनेशन, लीवर सिरोसिस क्या होती है, क्रोनिक प्रोग्रेसिव हेपेटिक डिसऑर्डर होता है, जिसमें कि जो लीवर की पैरियम है, यानी कि जो लेयर है उसमें, वो क्या हो जाती है, डिजनरेशन उसमें हो जाता है, और जो नॉर्मल लीवर फंक्शन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। लीवर सिरोसिस मेनली 4 टाइप का होता है। नेक्स्ट इसकी ईटियोलॉजी आती है और साइंस सिम्टम्स आते हैं। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, मेडिकल मैनेजमेंट हम क्या क्या प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट हमारा आता है सर्जिकल मैनेजमेंट। नेक्स्ट हमारी डिसीज आती है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन क्या होती है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें किसी ब्लॉकेज के कारण हार्ट के किसी भी पार्ट में यदि ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती,
तो वहाँ की जो मसल्स है वो मरने लगती है, हार्ट की जो मसल्स है वो क्या है, डाई होने लगती है, मरने लगती है, जिसके कारण मायोकार्डियम इन्फ्रैक्शन होता है। तो कारण है कि किस किस के किस कंडीशन के कारण ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती। नेक्स्ट है हमारी, यहाँ पर भी ये कोजीज ही है। नेक्स्ट है हमारा साइन सिम्टम्स, यानी कि क्या क्या सिम्टम्स आएंगे। नेक्स्ट हमारा डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, और मेडिकल मैनेजमेंट। यहाँ पे हमारा सर्जिकल मैनेजमेंट आता है। नेक्स्ट हमारा आता है डाइटरी मैनेजमेंट।